हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे श्याम रेसिपीज़ में। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ गत्ते की सब्जी। इसे कैसे बनाते हैं चलिए आइए देखते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है कुकर। कुकर में मैंने पानी डाल दिया, इसे हम गर्म करने के लिए रख देंगे। अब इसका हम बेसन का डो बनाएंगे। यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, इसमें डाल देंगे आधा छोटी चम्मच नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटी चम्मच जीरा और आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल लेना। और आधा छोटी चम्मच हल्दी, यहाँ पे मैंने डाला है आधा छोटी चम्मच मसाला, गरम मसाला है ये। और यहाँ पे मैंने डाला है सरसों का तेल, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हो। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे तब तक जब तक ये शेप में ना आ जाए इस तरह से। अब इसे हम पानी से गूंदेंगे। पानी इसमें थोड़ा सा ही डाल डाल के गूंदिएगा क्योंकि इसे हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा सख्त बनाना है इस डो को। देखिए ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा और पानी डालना चाहिए तो आप डाल सकते हो गर्म करने के लिए। अब इसे हम ऐसे शेप में दे देंगे, इस तरह के लंबे लंबे शेप में। आप चाहे तो कोई सा भी शेप दे सकते हो, पर ये गट्टे की सब्जी का मेन शेप होता है तो हम यही देंगे। अब इसे हम उबालने के लिए कुकर में डाल देंगे। इसमें हम 4 सीटी लगाएंगे। यहाँ पे 4 सीटी लग चुकी है, अब हम देखेंगे कि ये पका है कि नहीं। ये पक गया है। ये जानने के लिए कि हमारे बेसन के गट्टे अच्छे से पके हैं या नहीं, उसमें दाने निकल आते हैं, तो उसे मैंने काट लिया है। और यहाँ पे हम तेल डाल देंगे। तेल में मैंने डाला है गट्टे, इसे मैं थोड़ा सा फ्राई करके बनाऊंगी। आप चाहे तो ऐसे भी बना ही सकते हो, फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फ्राई करना चाहते हो तो आप फ्राई कर सकते हो। अब इसे हम निकाल लेंगे, वैसे इसे हल्का सा ही फ्राई करना है। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है आधा छोटी चम्मच जीरा। अब यहाँ पे हम अपने वेजिटेबल डालेंगे। यहाँ पे मैंने डाला है 2 कटे हुए प्याज, इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे अच्छे से। और अब इसमें हम डाल देंगे हमारी 4 कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। अब इसे हम अच्छे से पका लेंगे लो फ्लेम पे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 कटे हुए टमाटर मीडियम साइज के। टमाटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाएं। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। यहाँ पे मैंने डाला है हल्दी आधा छोटी चम्मच और आधा छोटी चम्मच गरम मसाला और आधा छोटी चम्मच सब्जी मसाला। और यहाँ पे मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर आधा छोटी चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक। याद रखिएगा कि हमने गट्टे में भी नमक डाला है, इसलिए आप इसमें स्वाद अनुसार ही नमक डालना। अब इसे हम पानी डाल के अच्छे से पका लेंगे। और जब मसाला पक जाएगा या नहीं, इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है जानेगा कि मसाला जब पक जाता है तो वो तेल छोड़ देता है। देखिए मसाला तेल छोड़ चुका है। और इसमें हम गट्टे डाल देंगे और इसे अच्छे से पानी डाल के पकाएंगे। इस तरह से इसे चला चला के पका ले। यहाँ पे मैंने वही पानी डाला है जिसमें मैंने गट्टे उबाले थे। अगर आप वही पानी डालोगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब इसे हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे ढक के लो फ्लेम पे। अब ये हो चुका है, अब इसे हम कटोरी में सर्व कर लेंगे। देखिए अब ये तैयार हो चुका है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।